हम तुम्हा तुमको तुम्हारे घर से नहीं निकाला गया ना, तुमको कुछ नहीं किया गया। हमारे तो 5 लाख कश्मीरी पंडित घर से निकले, एक बस फूके क्या, किसी का जलाए क्या, किसी का घर तोड़े क्या, उनको घर से निकाल देगा, लेकिन वो कोई आंदोलन नहीं किए। लेकिन इनको यह पीड़ा हो रही है कि यहाँ जो हिंदू बस गया उसको नागरिकता क्यों दी जाएगी, तो इनको क्या कहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में, मैं हूँ सार्थक शर्मा। ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, जामिया और जेएनयू की बात यही चल रही है। रोज एक बात उठती है कि कल को सही होगा, परसों को सही होगा, पर सही होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब कैसे वो सही होंगे, इसी पर बातचीत करेंगे जनता से, क्योंकि वाइस चांसलर ने 1.5 घंटे का आकर बोल तो दिया पर बात उनकी किसी ने नहीं सुनी, फिर वहीं रुक गई। FIR कब होगी? अब क्या लगता है सर, JNU और जामिया के ऊपर एक्शन लिया जाएगा या फिर उनकी बात सुनी जाएगी, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो, इम्पार्शियल हो, निष्पक्ष हो, जो लोग भी गलत हो उनको सजा दी जाए, उनका जो है उनको रस्टिकेट किया जाए कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। साथ में अगर आप लोगों को ध्यान हो, आज जो है 100 से अधिक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पॉजिटिव इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बनावटी इंटेलेक्चुअल नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य नहीं है, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो ये वामपंथी पार्टियां हैं, इन वामपंथी पार्टियों के साथ मैं दूसरी देश विरोधी पार्टियों को भी जोड़ना चाहूँगा, जिन लोगों ने लंबे समय तक कहीं केंद्र में, कहीं राज्यों में राज किया और जी भर के लूटा, घोटालों की झड़ी लगा दी, ये सभी लोग मैं तो कहूँगा। बाकी उन्होंने वामपंथियों का नाम मेन लिया है कि ये हमारी पीढ़ी को नष्ट कर रहे हैं, इनकी मानसिकता को ख़राब कर रहे हैं। जो छात्र अभी कच्ची उम्र के होते हैं, जो कॉलेज में आते हैं पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में आते हैं, उनको शुरू से ये देश विरोधी बातें उनके दिमाग में, दिल में जमा देते हैं। अच्छा सर, आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि आज जैसे चल रहा था जामिया पर, उसके बाद एक वाइस चांसलर जब सामने आई, उन्होंने कहा कि पुलिस अगर जो हमारे से पूछ के अंदर आती तो कुछ बात भी होती, पर पुलिस का कहना है कि हम पूछ कर ही अंदर गए हैं, तो क्या लगता है कौन गलत है? भैया, पुलिस अगर पूछती नहीं है तो आप आरोप लगाते हो, अब पुलिस जाती नहीं तब भी आरोप लगाते हो ना, दोनों चीज़ों में आप आरोप लगा रहे हो। जेएनयू में पुलिस जा नहीं पाई तो पुलिस मिली हुई है जी, वहाँ पुलिस चली गई, पुलिस मिली हुई है जी। अबे ताले, दोहरा चलित क्यों अपना रहे हो आप? पहले आप ये बताओ मुझे, ये जो विरोध का पैमाना है, पैरामीटर है, इन्होंने बदल दिया है, विरोध पाकिस्तान हो चुका है, समझ रहे हैं? विरोध पहले भी होते थे, लेकिन भारत को गाली देने वाला विरोध कहाँ चला गया है? छात्रों का विरोध आज हिंदू राष्ट्र पे आ गया है, फक हिंदू राष्ट्र, गाली दे रहे हो आप, ठीक है? मैं बार बार कहना चाहता हूँ, जो गद्दार है उसको लठ मारा जाएगा। और अमित शाह मोदी जी को यहाँ से मैं कहना चाहूँगा, खड़े हैं, पूरा देशवासी खड़ा है, अरे भैया पूरे भारत में 30 करोड़ छात्र हैं, चंद गद्दार छात्र हो गए क्या? आज साइन बाग में 30 दिन के जाम लगा हुआ है, हम लोग नोएडा से रहने वाले, ग्रेटर नोएडा से रहने वाले, हम दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, 2-2.5 घंटे हमें लग जा रहे हैं आने में, कौन जिम्मेवार है इसका? दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलता इस पे? ये अराजकता नहीं क्या है? वो क्या जी, शाहीनबाग यूपी में लगता है, यूपी बॉर्डर है वो। अच्छा, यूपी में आता है? हाँ, यूपी में आता है वो, आप पता करिए जाके वहाँ पर, वो यूपी बॉर्डर में लगता है, यूपी की समस्या है वो। ये तो कह रहे यूपी में आता है, ये अनपढ़ गंवार जाहिल है, इनको पता नहीं साइन बाग कहाँ है। साइन बाग मेट्रो स्टेशन जाओ, पता करो, अभी गूगल करो, अगर दिल्ली में है इसको मुर्गा यही बनाऊंगा, दिल्ली में तो मुर्गा बनेगा, दिल्ली में तो मुर्गा बनेगा। क्या जी, मैं नहीं मान सकता, यूपी में आता है वो, नोएडा में आता है वो, नोएडा में आता है वो, नोएडा में आता है, ऐसे क्या होता है भाई? मैं कुत्ता भी बना सकता हूँ बनाने पे आऊँ तो, लेकिन यूपी में आता है। लो जी, ये तो कह रहे हैं कि वो नोएडा में ही आता है। नोएडा में कहाँ से आ गया? साइन बाग का जिला अधिकारी बता दे अगर नोएडा में है तो। बता दो जी भाई, ऐसा है, आप चाहे वो जिला अधिकारी बता दो पहले इन्हें। भाई जिला अधिकारी मैं उसे बताऊंगा जो मुझसे पूछेगा। शाहीन बाग में ये देखो, ये तो दिखा रहे हैं बाग मेट्रो, इन तो दिखा दिया, दिल्ली नहीं है ये, गलत है ये, हाँ जी ये तो दिल्ली में आ गया। सुनिए, इन्होंने कहा है शाहीन बाग मेट्रो, ये तो दिल्ली में आ गया, नहीं कर रहे वो सड़क के ऊपर कर रहे हैं जी, वो सड़क के ऊपर कर रहे हैं, इनका कहना है। देखो देखो, ये जो चाटुकार है ना, इनके पास शब्द नहीं रह जाते। जामिया नोएडा में हो गया क्या? जामिया नोएडा में हो गया, साइन बाग नोएडा में, ओखला भी नोएडा में हो गया। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जामिया नोएडा में चला
गया यार। मैं ये कह रहा हूँ मेन चीज क्या है कि ये लोग बौखला गए हैं ना, ये ना तो जेएनयू के जेएनयू को स्टूडेंटों को कंट्रोल कर पा रहे हैं ना ये जामिया वालों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये घबराए हुए हैं। और वो जो कर रहे हैं वो जब तक करते रहे अच्छा है, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं यूपी से आगरा से रहने वाला हूँ। आप केजरीवाल की सपोर्ट ना करें वही अच्छा, देश को बचाना तो मोदी को आगे बढ़ाना है। मोदी एक ऐसा नेता जिसने देश की पहचान बनाई ना, विदेशी जो देश हैं अभी तो भारत को कब्जा कर देते, जो पहले भारत गुलाम था वो कंडीशन हो जाती। और मोदी काम वो कर रहा 370 धारा उठाई, किसी में दम नहीं तो 370 धारा उठा लेता। मोदी देश को पहचान है, लाल किला अभी तक हमला हो जाता, लाल किला अभी तक हमला हो जाता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये अगर कहीं अपराध हो रहा है जैसे वो जामिया मिलिया की वीसी कह रही है ना नजमा अख्तर जो है कि हाँ जी पुलिस को इजाजत लेके घुसना चाहिए, कहीं अपराध हो रहा है तो। अच्छा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि अभी केजरीवाल जी ने थोड़े दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने भी कहा कि जो दिल्ली पुलिस है वो मिली भी हुई है, उनका भी ये कहना था, तो क्या लगता है सच में दिल्ली पुलिस मिली हुई है क्या? केजरीवाल किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस को अपने अंडर करना चाहते हैं जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। उनकी लार टपक रही है, इसलिए वो जब भी कोई पुलिस का किसी पुलिसकर्मी की दुखद मृत्यु होती है, चाहे वो कितना भी जूनियर हो कुछ भी हो, हमेशा वो धरने पे बैठ जाते हैं 1 करोड़ के लिए। कभी उन्होंने 1 लाख रुपया भी अपनी जेब से दिया है? और टैक्सों का जो जनता के टैक्स का पैसा है वो हमेशा 1 करोड़ 1 करोड़, उनसे लगता है कि उससे दिल्ली पुलिस उनकी जेब में आ जाएगी, जो कि किसी भी तरह से संभव नहीं है और पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। क्या जी क्या? केजरीवाल को जनता के पैसे का दर्द नहीं है, ये दुखद बात है। एक मुख्यमंत्री हो के अराजकता फैला रहे हो आप दिल्ली पुलिस को गाली दे रहे हो, आप सीबीआई को गाली दे रहे हो, आप ईडी को गाली दे रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करते हो, आपको ये पता नहीं कल को आप सत्ता में होगे तो आपका मतलब है कि सारी चीजें खरीद ली जाती हैं, तो आप भी दुरुपयोग करोगे ना, आपको लगता है। फिर ये सोच जो मानसिकता है ना, इनके पास मैटर नहीं रह गया कोई बोलने का, तो अपने आप को बचाने के लिए मीठा बोले, आरोप लगाए बस। मनोज तिवारी का इन्होंने पर्सनल अटैक किया, नचनिया गवैया बोल रहे हैं, इसको शर्म आनी चाहिए। ये आईआरएस कितने साल किया हुआ है? 5 साल की सर्विस करके ये नेता बन रहा है क्या? आईआरएस की सर्विस ने सिर्फ 5 साल की है, एनजीओ बना के काम कर रहा था। ये फर्जीवाड़ा जो है जनता जानती है, जवाब देगी। सर मामला जड़ समझो मेरे भाई, आप लोग ऊपर बात कर रहे हैं। यह सबसे पहले आंदोलन किस बात के लिए खड़ा हुआ था? सीएए के खिलाफ, ठीक। और सीएए के खिलाफ वहाँ भारत को किसके लिए सीएए बना है? चंद हमारे देश में हमारे जो भाई हैं, कुछ मुट्ठी भर हिंदू जो यहाँ रह रहे थे, उनको सोचा गया जो या जो अल्पसंख्यक यहाँ हैं जो वहाँ से आ गए है ना, उनको नागरिकता देनी है, विषय यही था ना, इसी के खिलाफ उठा था आवाज़ ना। यह देश है ना अपने भाइयों को नहीं रख सकता, ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं, ये स्टूडेंट नहीं हैं, ये जो सड़क फूंक रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं, हमारे बसों को फूंक रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमको तुम्हारे घर से नहीं निकाला गया ना, तुमको कुछ नहीं किया गया? हमारे तो 5 लाख कश्मीरी पंडित घर से निकले, एक बस फूंके क्या, किसी का जलाए क्या, किसी का घर तोड़े क्या? उनको घर से निकाल देगा, लेकिन वो कोई आंदोलन नहीं किए। लेकिन इनको यह पीड़ा हो रही है कि यहाँ जो हिंदू बस गया उसको नागरिकता क्यों दी जाएगी, तो इनको क्या कहेंगे? चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ऐसा है कि तुम बालू हो, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हो, तो हम लोहा हैं, गरम देर से होंगे, लेकिन अगर गरम हो गए तो न जेएनयू चलेगा, न जामिया चलेगा, और न अलीगढ़ एमयू चलेगा, और न जो क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल में जाधवपुर, या सारी यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएंगी, और तुमको जहां तुम जाना चाहते हो, जिसके नारे लगाना चाहते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुत्व की कब्र फूकेगी, और जो तुम्हारे स्वास्तिक चिन्ह को जो तुम फूक दिखा रहे हो ना, उसी से फूक देंगे तुमको। I think these all are the political dilemma, जिस तरीके से हमारी constitutions में जो mention से आर्टिकल 14 से लेकर 21 का जिस तरीके से इन लोग violations कर रहे हैं, जिस तरीके से unconstitutional तरीके से ये लोग voice raise कर रहे हैं, social evils जैसा पैदा कर रहे हैं। संविधान में सहमत होना असहमत होना दो चीज़ें होती है, दो बातें लिखे, लेकिन आपको संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि आप हिंसा करो, और वहाँ जहाँ शैक्षणिक संस्थाएँ हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास, तो आपको उस तरीके से मिलनी चाहिए, यह कल्चर्स होनी चाहिए। लाइक
आपका एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो होती है, जो आपकी संस्कृति होती है, आर्टिस्ट का लोग जो होते हैं वो लोग ऐसा करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में लोग अपनी कहीं ना कहीं अधिकारों की तो बात करते हैं बट कहीं ना कहीं कर्तव्यों को भूल जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोकतंत्र लोकतंत्र की बात तो करते हैं, चिल्लाते हैं कि हम संवैधानिक तरीके से चलते हैं। कहाँ आर्टिकल 14 में लिखा गया है आपको, आर्टिकल 21 में कहाँ मेंशन किया गया कि आप तोड़ फोड़ करो, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाओ, जो प्रॉपर्टी हमारे ही आम आदमी के पैसे के टैक्स से बनाओ उस प्रॉपर्टी को आप तोड़ रहे हो, वो उसमें तो आम आदमी हम ही चलेंगे ना, ना बीजेपी वाले चलेंगे ना कांग्रेस या कोई पार्टियां तो नहीं चलेगी, वो आम आदमी के पैसे से उसी को तोड़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जलाने की कोशिश की जा रही है वो अभी वो लोग जला रहे हैं जिनको खुद मालूम नहीं है। एक्चुअली मैं खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, कल ही इस पर आर्टिकल्स मैं लिखा था, जिनको खुद नहीं मालूम है कि CA क्या है, NRC क्या है, NPR क्या है, वो लोग रोड पर उतर जा रहे हैं और जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल जो संस्थाएं होती है, शैक्षणिक संस्थाएं होती है, वहाँ इसको टारगेट की जा रही है। JNU में अभी देखिए जिस तरीके से हालात जानलेवा हमले हो रहे हैं, MU में हो रहे हैं, ये कर क्या रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो पॉलिटिकल डायलेमा ये लोग खेल रहे हैं। तो जी आपने देख लिया जामिया और JNU की बात चलती रही और फिर बीच में और भी तमाम चीज़ें हो गई, बहस भी हो गई तकड़ी सी, उसके बाद अब आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।